हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज की अपडेट सुनकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और कुछ लोग तो शट अप भी बोलेंगे, लेकिन मैं उनको इतना ही बोलूँगा कि शट अप नहीं, पैंट्स डाउन बोलो, क्योंकि अगर तुम लोग ये बोलोगे तो तुमको मिलेगा बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। खैर अब हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम की एक अपडेट से। हालांकि ये अपडेट मुझे कल रात को ही मिल गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था अपडेट वीडियो बनाने के लिए, सोचा मैं अब बना लूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ देर पहले यानी कि 2 या 3 घंटे पहले शैंग ची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स का एक नया ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसको देखकर मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि यार वाकई में मार्वल ने इस बार कुछ अलग तरह की मूवी बनाई। और ये अगर आप लोग मार्वल्स की दूसरी मूवीज़ देखे हो ऑलरेडी, आप लोग अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एमसीयू के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो आप लोग को भी पता होगा कि शैंग की एक ऐसी ऑल टुगेदर मूवी लग रही है कि काफ़ी डिफरेंट वे में उन्होंने एक ओरिजिन हमें बताने की कोशिश की है और कुछ नए फुटेजेस देखने को मिले। और ट्रेलर के एंड में जो सीन बताया है वो सीन देखने के बाद तो आज समझ लो यूट्यूबर्स की चांदी होने वाली है, मतलब एक्सप्लेनेशन की लाइन लगेगी। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पाइडरमैन की बात कर रहे थे, तो देखो यार वो अपडेट ये है कि हमें 2 शैंग ची के ट्रेलर देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली एक आ चुका और एक और आएगा, और उसके अलावा इटर्नल्स उसका भी ट्रेलर देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें नो वे होम का ट्रेलर देखने मिलेगा। अब ये बात सेंस इसलिए बना था क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों मूवी यानी कि शैंग ची और इटर्नल स्पाइडरमैन से पहले रिलीज होने वाली, तो इसलिए फिलहाल एमसीयू वाले इन दोनों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर नहीं डालेंगे या टीजर नहीं डालेंगे, वो लोग ज़रूर डालेंगे। लेकिन मार्वल भी बहुत शान है यार, वो नहीं चाहता कि स्पाइडरमैन के चलते इसकी जो आने वाली 2 मूवी उसके ऊपर से कहीं ना कहीं वो लोगों का जो फोकस है या जो लाइमलाइट है वो हट जाए, तो इसलिए सबसे पहले वो इन दोनों को प्रमोट करेगा अच्छी तरह से, और उसके बाद नो वे होम का ट्रेलर आएगा। और एक और रीज़न है नो वे होम का ट्रेलर फिलहाल ना आने का, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लोकी सीरीज अभी भी चल रही है, स्ट्रीमिंग हो रही है, और जब तक लोकी सीरीज ख़त्म नहीं होती वो लोग नो वे होम का ट्रेलर नहीं डालेंगे। क्योंकि ये बात सेंस इसलिए बनाती क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भाई इस बार एमसीयू में आपको मल्टीवर्स मैडनेस देखने मिलेगा, और ये चीज़ शुरू कर रहा है लोकी, और ऑब्वियसली ये चीज़ आगे बढ़ाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम। तो अगर अभी लोगों ने टीजर या ट्रेलर देख लिया तो वो जो लोकी देखने का एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और एमसीयू ऐसा चाहता है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब तक लोकी ख़त्म होता नहीं, या जब तक जैसे कि मैंने कहा शैंग ची का एक और ट्रेलर और इटर्नल्स का एक और मस्त बड़ा वाला ट्रेलर नहीं आता है, तब तक नो वे होम के बारे में आई थिंक हम लोग एक बड़े ट्रेलर के तो हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब ये बात कितनी सच है वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है, जो अपडेट निकल कर आई है वो मैंने बता दिया। अब वो सोर्सेज कितने सही है वो तो आपको इस वीडियो के बाद या मुझे कुछ 1-2 महीने के बाद पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है तो यहाँ तो नो वे होम का ट्रेलर अब हमें जुलाई के एंड में देखने को मिलेगा, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो शायद ही हमें अगस्त, मिड अगस्त या स्टार्टिंग के अगस्त में देखने को मिले, फिलहाल ये मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बता दो, और शट अप या जो भी बोलना वो आप लोग बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को क्या लगता है नो वे होम का ट्रेलर कब आएगा, किस दिन आएगा, किस मंथ आएगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको शैंग ची का जो नया ट्रेलर है वो कैसा लगा, और इटर्नल्स के ट्रेलर के लिए जो कि आने वाला है उसके लिए आप नहीं बेसब्री से इंतजार करो, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।